हमारे साथ स्कैम हो गया यार आज। चलो स्पोर्ट्स लगा दिया अपन ने, इसको भगाते हैं पूरी। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। आज देख सकते हो आपके सामने आपको डायर बुक चला वाला दिख रहा होगा, बस टस्किन आ चुकी है जुपिटर के अंदर में। नहीं, ये जुपिटर नहीं है, ये एथर है, और ये एथर का 450 प्लस मॉडल देख रहे हो आप। आज ये मेरे दोस्त की गाड़ी है। एक्चुअली आज मैं दोस्त की गाड़ी से घूम रहा हूँ। आज जुपिटर मेरी बाहर गई शहर से, सोचा इसको निकाल लेते हैं, दोस्त को बुलाते हैं, उसी गाड़ी से घूमते हैं। बाकी अभी चला रहा हूँ इसको मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर में। इसके अंदर आपको दो तीन मोड मिल जाते हैं, ऐसे चाहो तो आप इसको यहाँ से टच करके ये इको मोड ले सकते हो। इको मोड में इसकी पावर स्पोर्ट खत्म हो जाती है, सकते हो ये बहुत नल रेस दे रही है। और चाहो तो आप इसको बीच में फिर राइड मोड पर ले सकते हो, राइड मोड में इसकी पावर ठीक ठीक रहती है। फिर अपन ऐसे राइड लेते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ 56 दुकान तरफ, ऐसे ही कुछ खाने पीने, बोलते हैं ना इवनिंग क्रेविंग हो रही है, चलो कुछ खा के आते हैं। फिर पीछे हमारा दोस्त बैठा हुआ है। बाकी बात करें तो चलने के बारे में, तो अभी चल चुकी है 9108 किलोमीटर, अभी इसको एक साल होने जा रहा है, तो एक साल में ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी इस गाड़ी में थोड़ी समस्या रेंज की आ रही है, सकता अभी भी है 49% में, सिर्फ 35 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है राइड मोड के अंदर में। अदरवाइज इसको अपन स्पोर्ट में कर लेते हैं, कितने गाड़ी दिखाएगी है। स्पोर्ट में करने के बाद 32 की रेंज दिखा रही है गाड़ी है। अब इसको एक बार इको में करते हैं, सो ये 49% बैटरी के अंदर में 41 की रेंज दिखा रही है। तो गाड़ी में थोड़ी रेंज की समस्या रहती है, अदरवाइज गाड़ी में कोई कमी नहीं है। हाँ, चलाने में काफ़ी अच्छी लगती है, हैंडलिंग वगैरह भी अच्छा है इसका। और पर्सनली मुझे ओला से बेटर लगती है इसका सेटिंग पोजीशन ना, सीट काफ़ी हल्की ऊपर है ना, तो आपकी सेटिंग पोजीशन अच्छी बन पाती है चलाने में। तो नो डाउट बेटर प्रोडक्ट है ओला से। बाकी फॉर एग्जाम्पल अभी इको पे हूँ, ठीक है, मैंने पूरी रेंज दे दी, अभी पिकअप नहीं लेगी, अभी सबको मजबूरन यहाँ पे खुद से लगाना पड़ेगा इसका राइड मोड वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कंपनी से ऐसा फीचर दे दे कि आप ज़्यादा रेस दौरान से जुपिटर में आते हैं ना, अपनी कम रेस पर इको मोड पर रहती है, और जैसे अपन ज़्यादा रेस देते हैं वो ऑटोमेटिक शिफ्ट रहती है पावर मोड के अंदर में। ऐसा फीचर के अंदर में आना चाहिए, भले ही अब ऐसे रेस छोड़ो वापस वो नॉर्मल रोड पर आ जाए, लेकिन फीचर कंपनी को देना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि सडन पिकअप के अंदर आपको हेल्प कर सके। होता है क्या ना, ट्रैफिक वगैरह में आपको जम से पिकअप चाहिए होता है, आप गाड़ी खींचते हो इको मोड के अंदर में, या परेशान जाएगा जब तक आप उसका राइड मोड लगाते हो तब तक आपका आधी चीज़ें पार हो चुकी होती है हाथ से। बाकी अभी टाइम हो रहा है 7:01, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। जैसे देखो गाड़ी चल रही है ना, अभी टस्किन वॉक नहीं करेगा चलने पे, जब गाड़ी चलती रहेगी आपको टस्किन वॉक नहीं करेगा, ताकि आप गाड़ी चलाने का ध्यान दो, टस्किन चलाने में नहीं। और भैया सॉकर छोड़ो, गाड़ी का हार्ड जरूर है यार, लेकिन ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, मतलब जहाँ मारूंगा आप रुक जाएंगे ब्रेक। आई थिंक इसके फ्रंट एंड रियर व्हील्स दोनों के अंदर में आपको यहाँ मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक, जिसके कारण ब्रेक काफ़ी अच्छे हो जाते हैं गाड़ी के। आपको दिखाता हूँ इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, पकड़ के बैठना, है ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये देखो ब्रेक लगाता हूँ मैं, ये देख सकते हो, ये को जहाँ पे गया टैप टू है, ब्रेक एग्जिट कर रहा, ऑटो होल्ड हो गया है, इसने ऑटोमेटिक ऑटो होल्ड पारी ले लिया, हाँ हट गया ऑटो होल्ड। और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी स्लिप मार भी चल सकते हो आप वो एरिया में, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लिप मार चुकी है, ब्रेक काफ़ी अच्छे। बाकी नई चीज़ देखी, गाड़ी आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगाते हैं ना तो ऑटो होल्ड इंगेज कर रही है, ये फीचर कम पहले नहीं था, अब शायद नया मॉडल्स में यहाँ होता है कंपनी अपडेट दे दिया होगा, इससे गाड़ी फीचर आ चुका है कि ऐसा पूरा ब्रेक खींच दोगे ना तो गाड़ी ऑटो होल्ड में चलेगी, मतलब गाड़ी आपकी कभी ढलान पर रिवर्स नहीं आई खुद से अपने आप। बाकी सर अपन स्पोर्ट्स में लगाते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, जैसे मेरे पीछे बैठा है ना वो भी गिरने हो गया था, तो एकदम से उड़ती है स्पोर्ट्स मोड के अंदर में, उसको वापस अपन ले लेते हैं राइड मोड के अंदर में। एक जैसे अभी मैं डबल चल रहा हूँ ना, डबल के लिए इको मोड नहीं बना है, इसके लिए डबल में बहुत परेशान कर देगा इको मोड आपको, लेकिन वहीं पर इसका राइड मोड ठीक है डबल लोगों के लिए। अब पर्सनल मेरे को जुपिटर क्या आता है, जुपिटर क्या था सडन पिकअप देती है, जिसके कारण मैं तो इको मोड ड्राइव नहीं करता हूँ सिंगल में भी, मैं उसको सिंगल में भी राइड पर ही ड्राइव करता हूँ। निकल जाओ भैया, निकल जाओ, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिखा रहा कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी देख लो आप, उनका इको मोड से किसी काम का नहीं है, मतलब इसका फिर भी ठीक है, इसका दिखाता हूँ आपको डबल में उठ सकते हो आप, दिखाता हूँ गाड़ी रोक के साइड में आपको, देखो मैं गाड़ी रोक रहा हूँ पूरी, ठीक है। अब मैं इसका लगाता हूँ इको मोड, देखो इसकी गाड़ी वो उठ जाएगी आराम से, मुझे तो मैंने बहुत कम रेस दे रहा हूँ कि आराम से उठ जाएगी इको मोड के अंदर, लेकिन ओला के अंदर भी समस्या है कि वो उठती नहीं है इको मोड में आराम से। अरे खुल जा भाई, इसका मैप देख सकते हो आप, पूरा मैप बन कर आता है, लगा दो कहाँ जाना है तो ये मैप शो करते रहेगा। बाकी अपन आ जाती है ऑटो होल्ड का फीचर्स में दिखाया हुआ है, और ये देखते हैं क्या फीचर है इसका, करा देखते हैं रिवर्स जाएगी नहीं जाएगी, और देखते हैं कैसे बोल रहा है रिवर्स करने के लिए, सिस्टम क्या रिवर्स करने का, अभी यही है तो रुक नहीं रही रिवर्स, देख ये आगे भाग रही है। रुक जा, मैंने सबको छोड़ दिया, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया भाई, गिराएगा 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 गिराएगा, बस 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 बस, वो थोड़ी सी ग्लिच हो गया गाड़ी के अंदर शायद, तो अभी रिवर्स में जा रही है। हाँ लेकिन इसका जो रिवर्स है ना वो इतना पावरफुल नहीं है, बाकी चाहता है क्रॉस कर सकते हो और नॉर्मल आप राइडिंग कर सकते हो उसके अंदर में, लेकिन मैं ट्राई किया था एक बार ना, सर अगर पीछे का ब्रेकर वगैरह होता है और आप बैठे हो डबल में ना तो गाड़ी चढ़ नहीं पाती ब्रेकर्स पे भी, इतना पावरफुल तो नहीं है और खासकर इतना एफिशिएंट भी नहीं है इस रिवर्स मोड की, ठीक है। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको सिम मिल जाए, इसका नेटवर्क दिखा रहा आपको,
वो सिम का फायदा है कि आप इसका मैप वगैरह चला सकते हो। बोलते चलो खड़े महडीज के पास में रखना चाहिए ना यार, महडीज के पास में इतने खड़ी कम से कम थोड़ा बनना चाहिए शो ऑफ हमारा भी। रोड खोद दी यार, हर जगह रोड खोद दे रहे लो हर जगह। पर इसमें तो चलाता हूँ जुपिटर ना, तो जुपिटर इसमें अगर बैठता हूँ ना तो मुझे खुद कॉन्शियस रहना पड़ता है ब्रेक मारते हुए, क्योंकि जुपिटर के ड्रम्स भी मिलते हैं आपको पता है, ड्रम ब्रेक परफॉर्मेंस बेस के कंपेरिजन में थोड़ी सी होता है ना डाउनग्रेड ही रहती है, और ध्यान रखना पड़ता है वो ब्रेक वगैरह मारते हुए इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जोर से अगर ब्रेक मार दूंगा इस गाड़ी में ना तो इसके व्हील लॉक हो जाएंगे। मैं तो इसका राइड मोड बहुत सही है यार, राइड मोड भी ठीक है सर, कहाँ डैक मतलब इक्वल तो भैया बिल्कुल नहीं चलाऊँ मैं, बिल्कुल नहीं, मगर गाड़ी मेरे पास हो ना मैं अकेले में ना चला पाऊँ इक्को इसका यार, लेकिन इक्को इसका नहीं यूज़ कर पाओगे भाई फिर जाओगे। हाँ जिनकी ये फर्स्ट गाड़ी हो मतलब जिनने सीखा है इथर में होता है ना उनको मजा आएगा इको मोड के अंदर, क्योंकि उनको आ रहा था कोई कम पावर की। अब जिन्होंने चला लिया अच्छी गाड़ी वो इसको नहीं चला पाएंगे भाई इको मोड में, तो जिस हाथ में जाते हैं इको मोड में ये देखो। अब आपकी परफॉर्मेंस देखना पूरी रेस खींच दी है, धीरे धीरे पिकअप ले रही है, और ऑब्वियसली डबल बैठा हूँ मेरे पीछे वाइट बंदा बैठा ना फोस रहा हो हैवी वेट बंदा हो जाता वो, तो प्रॉब्ली भी रीज़न ज़्यादा नहीं पुल कर पा रही इको मोड में। अदरवाइज राइड मोड इज मोर देन इनफ फॉर यू एंड स्पोर्ट्स तो मज़ेदार चीज़ है। फिर बाकी देखो सैटरडे इवनिंग यही रीज़न मैं कार निकालता हूँ, देख सकता हूँ सैटरडे को जाम वगैरह चालू हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे ना, अब जाम चालू हो जाएगा और ये जाम आई थिंक आज रात के 9-10 तक रहेगा, 10 के बाद जाम हल्का हो जाएगा। सो अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं हम, देख सकते हो सैटरडे में कान काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पार्किंग में, जगह बनाते हैं वहाँ डाल वहाँ डाल निकले वहाँ डाल पड़ा जल्दी जल्दी जा। बाकी देख सकते हो आज बहुत लोग आए हुए हैं, पूरा 56 भरा हुआ है लोगों से आज, और अपने को जाना है वहाँ पर साहब मुतल्ले में सामने बोर्ड लगा हुआ है वहाँ जाना है। Meanwhile, वाह यार बंदों से लेडीज़ का बनाया सिर्फ लेडीज़ वॉशरूम है यहाँ पे, क्या जेंट्स का किधर है देख ढूंढ। ये बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लेडीज़ वॉशरूम ले सकते हो, सेकंड फ्लोर पे भी आ गए सिर्फ लेडीज़ वॉशरूम लिख रहा है, मेंस किधर गया भाई उधर देखते हैं उधर कहीं लिखा हुआ शायद वहाँ ढूंढते हैं। सेकंड फ्लोर पर आ गए हम लोग भाई एक वॉशरूम के लिए, वॉशरूम नहीं मिल रहा है, दोस्त को वॉशरूम जाना है सो वॉशरूम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ जेंट्स लिख गया यार जेंट्स लेट्स गो। सो फाइनली मिशन सक्सेसफुल हो गया और हमको मिल चुका है जेंट्स वॉशरूम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो नीचे जा रहे हैं, नीचे उनका आउटलेट है, इधर आउटलेट आओ ट्राई करते हैं क्योंकि अभी। सो ये स्मॉल वाला कोको 20 रुपीज़ प्राइस है इसका, बाकी एक स्टोरी बताता हूँ आगे जाके मैं। सो अभी मैं दाबेली खाने आया हूँ, तो दाबेली बन रही मस्त, और मेरा फ्रेंड वहाँ पे हॉट डॉग खा रहा है। सो ये दाबेली से हमने ये दाबेली लिए 30 रुपीज़ प्राइस है इसका। वही गाड़ी कहाँ गई भाई, अपनी गाड़ी तो मिली नहीं इतने भीड़ों के अंदर में भाई। और ये हो रहा है रिवर्स मोड का प्रॉपर इस्तेमाल, दे सकते हो आप रिवर्स मोड इंगेज है अभी, चलो बाहर निकाल के बैठता हूँ आगे से बाहर निकाल। हमारे साथ स्कैम हो गया यार आज वो आपको दिखाता हूँ मैं, जो हमने पिया ना वो हमको मिला 20 रुपये के अंदर में, मतलब वो एक घुट के बराबर भी नहीं था ठीक है। और वो जो अंकल थे ना हमारे पास में बैठे थे, दिखाता हूँ आपको वीडियो सामने चल रही होगी स्क्रीन पर आपके, वो अंकल आपको पास में बैठे थे हमारे ठीक है, अंकल वीडियो में क्या बोल रहे थे कि आपको 20 रुपये में एक बॉटल देंगे, आई थिंक वो बॉटल 400-500 ml की थी, हमको लगा बॉटल कैसे पिला सकता है, वही टहन यार 20 रुपये में कौन पिला रहा है बॉटल भाई, जब वहाँ गए तो धोखा हो गया वो बॉटल 60 की थी और ये 20 का, पर अंकल ने गलती करी यार आप वीडियो बना रहे हो एटलीस्ट, और पता है वीडियो को नहीं था प्रमोशन भी किया वीडियो का स्पॉन्सर कर रखा हुआ था क्या, प्रमोशन भी कर रहे हो वीडियो का, मैंने देखा था वीडियो के अंदर में जब प्रमोशन कर रहा था सस्ता होता कम से कम 20 रुपये आपको छोटा ट्रायल पैक दोगे, मैं सोचते अपने शॉर्ट्स पीते ना तो ट्रायल का शॉर्ट्स पीते हैं वो जामू शॉर्ट वगैरह पीते हैं उतना छोटा था। और वहाँ देखो भाई थार का बेस मॉडल देख, थार का बेस मॉडल वाह यार भाई थार का बेस मॉडल देखने को मिल गया भाई, अपने आप यूनिक चीज़ है। बाकी दाबेली खाई थी, दाबेली भी ठीक ठीक थी तब हाँ एवरेज बोल सकते हैं, नॉट सो बैड नॉट सो गुड वाली दाबेली थी वो भी। लो भैया यहाँ जाम लग गया फिर राइस, मैं बोला था 56 जब भी आता हूँ ना मैं तभी 56 ट्राई किया, ऐसा होता है कि होता है ना 56 में आ रहा था ना तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि सबको पता 56 कौन आता है जनरली, जो नए नए लोग आते हैं इंदौर के अंदर उनको 56 खाने के लिए होता है, मैं पूरे स्पॉट है वो, वहाँ जो इंदौर के लोग होते हैं खास वो 56 बहुत कम खाते हैं, वो 56 पता है देखा ना बस शौक की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी किसी में अंकल नहीं मिलती मेरे को, एक जॉनी वाला थोड़ा ठीक क्वालिटी देता है, अदरवाइज वहाँ पर थोड़े बहुत 2-3 लोग अच्छे हैं, एक नेमा कुल्फी वगैरह हो गया उनकी क्वालिटी अच्छी थी, बाकी सबकी क्वालिटी ऐसी लगी मेरे खाने में, बस वही बात है कि यार नाम बन गया 56 का तो लोग खाते हैं आके शौकीन में भाई, पर ऐसा शीशा किसी काम का नहीं गाड़ी का, मैं देखा ना यार देखो ना देख लो आधा शीशा आपकी बॉडी कवर कर रहा है और इतना सब पार्टी आपको दिखा रहा है पीछे का, शीशा किसी काम का नहीं इस गाड़ी का यार, ये बहुत शिकायत लगती है इतना सीधा निकाल दूँ भाई, 13 वर्ष निकाल दूँ ठीक है ना भाई, झरे गई तो गाड़ी तेरी है, चल निकल गए अब क्या
हे भगवान, वो जाके लंबा पड़ेगा भाई। महान लोग है, गाड़ी मेरी नहीं गाइस, ये काम मैंने नहीं किया है, किया तो मैंने लेकिन इसको परमिशन से किया भाई, मुझे नहीं पता भाई क्या फ़ायदा हुआ यार। को टाइम बच गया कम से कम, तो बंद है लेकिन क्या फ़ायदा, पैसे को बात इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कौन से पैसे लगने हैं पेट्रोल के। चलो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, अब सुनसान रास्ता रहेगा। बाकी यार इसकी लाइट भी ऐसी है, देख सकते हो आप, कुछ फ़र्क नहीं है हाई बीम लो बीम में, मैं कर रहा हूँ हाई बीम लो बीम, देखो कुछ खास फ़र्क नहीं है लाइट्स में तो इधर की यार, उल्टा ज़्यादा कम ही लग रही है जुपिटर कम समय। ये देखो मैं हाई बीम लो बीम कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई फर्क दिख रहा है आपको बता दो मेरे को, तो बोलेगा अगर लाइट हाई बीम लो बीम भी हो रही है। देखो यहाँ पर पूरा अंधेरा पैच, देख सकते हो आप यहाँ ट्राई करते, देखो ये देखो बस इतना सा फ़र्क आ रहा है, जो कि ना का फ़र्क है, लाइट कमज़ोर इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब जुपिटर की लाइट कमज़ोर मानता हूँ, उससे ज़्यादा कमज़ोर लाइट है इसकी तो यार, बिल्कुल नहीं। चलो स्पोर्ट्स लगा दिया अपन ने इसको, भगाते हैं पूरी, खाली रोड है पूरी, भगाते हैं पूरा रोड देख दिया, दो लोग बैठे हैं, स्पीड देख रहे हैं आप इसकी 71 पे पहुंच गई है, 74 75 ओवर 80 जाने वाली थी, कोई सुनने आने वाला है आराम से अगर तो गिर जाएगा। हाँ पता है, हाँ पता है, पहले मैंने ब्रेक लगा लिया भाई, हम इंदौर के, हमको पता है, निकाल दी निकाल दी, अब निकाल दी गाइस, देखो 0-0 हो रहा है, गाड़ी निकाल दी टाइम से अपन ने, अरे नहीं होता थोड़ा सेंट मार दिया अपन ने यहाँ पे भी। ये देखो ये देखो ये देखो भाई 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 भाई, दिखाई नहीं ब्रेकर आया, लाइट काफ़ी कमज़ोर इसकी यार, पता है मुझे पता है आप लोग को थोड़ी वीडियो क्वालिटी कमज़ोर आ रही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा काम चला रहे ना आप लोग भी यार प्लीज़, इसलिए मैं ज़्यादा लेट रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पीछे दोस्त बैठा ना बहुत लेट भाई, अभी दिखाई नहीं है गड्ढा, देख रहे हो आप सही में, स्लाइड तो बहुत ही मारी है यार, इसलिए पता है मैं ज़्यादा लेट रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करता हूँ यार, चीज़ें ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती है। सो दोस्तों ये तक की थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए, बाय।